नेपालिया जा रहे। प्रणाम सर। नाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहिए। मोतीलाल जी सर। भूमि 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 सुधार करा रहे हैं। हाँ सर। लिख लीजिए भूमि सुधार। खुश रहिए, खुश रहिए। लैंड रिफॉर्म। भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने उठाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला कदम उठाया गया भूमि सुधार, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक ने ये काम पूरा नहीं हुआ। भूमि सुधार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूमि मालिक और भूमि पर काम करने वाले श्रमिक, किसान, भूमिहीन किसान, खेतिहर किसान, भूमिहीन किसान, खेतिहर किसान, ये सभी के बीच में एक सुधार लाने का काम किया गया। लिख लीजिए भूमि सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से 1952 तक
विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार के लिए ठोस कदम उठाए गए। भूमि सुधार का सबसे पहला कार्यक्रम है जमींदारी प्रथा की समाप्ति। भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला भूमि सुधार कार्यक्रम जो हुआ वह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। प्रणाम सर। कुछ जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम लोग पढ़ रहे हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पहला कार्यक्रम है कि सरकार और किसान के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया जाए। अंग्रेज के जमाने में जमींदारी प्रथा था, परमानेंट सेटलमेंट हो गया था और किसान जो है भूमि का कर जमींदार को देता था और जमींदार जो है उसको ब्रिटिश सरकार को जमा करती थी और इसी में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। किसान से कुछ रेट लिया जा रहा है और सरकार के खजाने में एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो ठोस कदम अपनाया गया वो जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। उस समय में जमींदारी प्रथा के साथ साथ रैयतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा विभिन्न राज्यों में लागू था। पंजाब राजस्थान मद्रास सब जगह एक समान नहीं था। महलवारी सिस्टम के अंतर्गत, रैयतवारी सिस्टम के अंतर्गत, जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत सभी जगह में बिचौलिए थे जो ऋण को वसूलते, जो कर को वसूलते थे, भूमि कर को वसूलते थे और अंग्रेज के खजाने में जमा करते थे, ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करते थे। तो भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहला काम किया गया है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि सरकार और किसान के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रहेगा। तो बिचौलिए की समाप्ति कर दी गई। बिचौलिए की समाप्ति कर दी गई। भारत में भूमि सुधार का प्रथम कार्यक्रम क्या हुआ? बिचौलिए की समाप्ति करना, जमींदारी प्रथा का अंत करना, जमींदारी प्रथा का अंत के साथ साथ महलवारी रैयतवारी इन सब प्रथा को हटाकर किसान और सरकार के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया गया।
ये पहला पॉइंट हुआ भूमि सुधार का, जिसको कहा जाता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सरकार और किसान के बीच में जो बिचौलिए थे उसको समाप्त कर दिया गया। और उत्तर भारत में जमींदारी प्रथा का बहुत बड़ा बोलबाला था। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी अन्य राज्यों में था। तो इस तरीके से भूमि सुधार का जो कार्यक्रम हुआ, उस भूमि सुधार के कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम जमींदारी प्रथा की समाप्ति हुई। दूसरा कार्यक्रम जो हुआ भूमि सुधार के अंतर्गत, उसका नाम लिखिए टीनेंसी रिफॉर्म, काश्तकारी सुधार। टीनेंसी रिफॉर्म, काश्तकारी सुधार। भूमि सुधार का जो दूसरा कार्यक्रम हुआ उसका नाम क्या हुआ? टीनेंसी रिफॉर्म, काश्तकारी सुधार। टीनेंसी रिफॉर्म, काश्तकारी सुधार। टीनेंसी रिफॉर्म के अंतर्गत भूमि पर खेती करने वाले काश्तकार, बटाईदार और भूमि मालिक, भूमि मालिक और भूमि पर काम करने वाले बटाईदार किसान, इन दोनों के बीच में संबंध सही रहे, इसके लिए कानून बनाए गए। पहला कानून बनाया गया सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर। काश्तकार को भूमि एक निश्चित अवधि के लिए दी जाएगी, इसी को लैंड टेन्योर कहते हैं। भूमि मालिक किसान को भूमि देता है। हाँ, उद्देश्य तो आप बोलो तो शुरू से सर क्या क्या लिखाए हैं, मेरा छूट गया। फोटो क्लिक करके भेज देंगे। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। अब बोले उस दिन कॉपी मिल गया ना? हाँ ले आए। ठीक था ना, कोई दिक्कत नहीं ना कॉपी में? उसको बड़ा डर था। नहीं में क्या दिक्कत है?
म्यूट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर के बारे में बता रहे थे। हाँ, सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर का मतलब हुआ कि भूमि आपको जितने दिनों के लिए दिया गया है, 5 साल 10 साल जो भी दिया गया है, वो फिक्स रहेगा, वो मनमाना नहीं है कि आपसे छीन लेगा। क्योंकि 10 साल के लिए अगर भूमि मालिक भूमि को किसी खेतियर किसान को देता है, भूमिहीन किसान को देता है, तो उस पर बटाईदारी पर काम करता है, तो क्या करेगा वो? एक बार भूमि दे दिया तो 10 साल तक ले उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति भूमिहीन किसान जो है वो काश्तकारी करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उस जमीन पर। अगर उसको मन में शक बना रहेगा कि हमको कल छीन लेगा, तो फिर कभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा और वो पूंजी खेत में पूंजी को नहीं लगाएगा, कृषि में पूंजी का विनियोग नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भूमि आपको दिया गया है जोतने के लिए, जोत की जो अवधि है, टेन्योर है, अवधि है, वो जो भी निर्धारित होगा वो फिक्स्ड होगा। तो इसे वो कहा जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। 10 साल के लिए दिया गया तो 10 साल, 5 साल के लिए दिया गया 5 साल तक डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उसमें खेती करने वाला जो भूमिहीन किसान उस पर खेती कर रहा है, भूमिहीन काश्तकार है, मालिक नहीं है, जमीन है, वो आपको बटाईदारी पर दिए हैं, तो अधिक से अधिक जो है वो पूंजी भी उसमें विनियोग करेगा। इससे कृषि का फसल क्या होगा? उत्पादकता बढ़ जाएगा सर। इससे कृषि का उत्पादकता बढ़ जाएगा। तो इसको कहा जाता है टेनेंसी रिफॉर्म। इस तरह के कार्यवाही को क्या कहा जाता है? टेनेंसी रिफॉर्म। जमींदारी प्रथा नंबर वन हुआ, नंबर टू हो गया टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म में काश्तकार का अवधि को फिक्स किया गया। उसका दूसरा जो है फिक्सेशन ऑफ रेंट, दूसरा होगा फिक्सेशन ऑफ रेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि रेंट जो है वो फिक्स्ड कर देगा, उपज का कितना प्रतिशत रेंट के रूप में लेगा इसको फिक्स कर देगा। उपज का कितना प्रतिशत रेंट के रूप में लेगा उसको फिक्स कर देगा, तो कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी। जब मनमाना हो आप रेंट को बढ़ा दीजिए, तो इससे किसान के जो काश्तकार है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो फिक्सेशन ऑफ रेंट। और तीसरा जो है वो है ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ लैंड, कि अगर काश्तकार जो है तैयार है उतना जमीन को खरीद लेने के लिए, तो वो उसको परमानेंट ओनरशिप भी दिया जाएगा। 30 साल से मान लीजिए खेती कर रहा है, तो अगर वो चाहे और मालिक भी चाहे तो उससे सेटलमेंट करके उसको परमानेंटली जमीन को दे देगा उसको जोतने के लिए, और जो उसका कीमत होगा वो कीमत को ले लेगा। तो इस तरह का सेटलमेंट ही बहुत है कि बहुत ऐसे भूमि मालिक है जो कभी खेती करेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, तो इसलिए परमानेंटली वो भूमि को उसके नाम से बेच देंगे जो उसके खेत में 30 साल से 40 साल से खेती कर रहा है काश्तकार के रूप में, बटाईदार के रूप में, उसके साथ परमानेंट सेटलमेंट भी किया जा सकता है। तो इसी को कहा जाता है सिक्योरिटी ऑफ ये ओनरशिप ऑफ द लैंड। तो ये सब जो क्रिया है उसको कहा जाता है टेनेंसी रिफॉर्म, काश्तकारी सुधार। रेंट को फिक्स करना, टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करना, रेंट को फिक्स करना, खेत कितने समय के लिए दिया जाएगा इसको निर्धारित करना, ये सब जो है टेनेंसी रिफॉर्म के अंतर्गत आता है।
तीसरा जो है वो है भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन को रोकना, भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन को रोकना। हम सभी जानते हैं कि भूमि पिता का है तो पिता के मृत्यु के बाद उसके बेटा बेटी जिसको भी मिल जाता है, फिर उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा बेटी मिल जाए, उत्तराधिकार का नियम हमारे यहाँ चलता है। उत्तराधिकार का नियम हमारे यहाँ चलता है और इसलिए उत्तराधिकारी जो होगा उसको भूमि मिल जाएगी। तो भूमि तो स्थिर है और दो तीन जेनरेशन में एक एक दादा है उसको चार बच्चा हुआ तो चार टुकड़ा में बट जाएगा। अब मान लीजिए वो चारों को चार चार बच्चा है तो कितना हो जाएगा, चार चौका सोलह। तो भूमि का आकार जो है टूट करके तीसरे जेनरेशन में 16 टुकड़ा हो जाएगा। तब कहा कि भाई तब ऐसा हो जाएगा तो उपज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, छोटा छोटा टुकड़ा पर क्या खेती कर पाएगा। अभी हल्ला चल रहा हरित क्रांति का, तो कभी भी उस पर ट्रैक्टर चलिए नहीं पाएगा। तो इस पर नया उपाय निकाला गया कि भूमि का उपविभाजन और अपखंडन पर रोक लगा दिया गया। कहा गया कि आप भूमि के उपज को बांट लिए न कि भूमि को बांटिए। भूमि का उपज जो है चार भाग में बटेगा, फिर भूमि का उपज 16 भाग में बटेगा, तो इससे भूमि के उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव। भूमि का पूरा एक प्लॉट जो है उसका इस्तेमाल होगा और उससे जो अनाज का उत्पादन होगा उसको बांट दिया जाएगा। तो ये विधि जो है बड़ा ही सफल हुआ। पश्चिम बंगाल में, केरल में, जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी वहां बहुत सफलतापूर्वक इसको लागू किया गया। पश्चिम बंगाल में इसका नाम होता है ऑपरेशन बरगा। क्या नाम होता है? ऑपरेशन बरगा। क्या नाम होता है? ऑपरेशन बरगा। तो ऑपरेशन बरगा के नाम से ये कार्यक्रम प्रसिद्ध हो गया और भूमि का विभाजन और अपखंडन करने की जरूरत अब नहीं पड़ी। उत्तराधिकार के नियम को लागू किया गया लेकिन भूमि तोड़ने में नहीं बल्कि उसके उपज को बांटने में किया गया। तो ये भूमि सुधार का तीसरा कारण हुआ, तीसरा तरीका हुआ भूमि सुधार का। तीसरी विधि हो गया भूमि के उपविभाजन और अपखंडन पर रोक लगाया गया, ये तीसरा सुधार हो गया। चौथा सुधार है उसको कहा जाता है चकबंदी। सुधार को क्या कहा जाता है? चकबंदी। सुनीता जी सर, चकबंदी का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैंड सीलिंग। नहीं, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। होल्डिंग है जी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसमें क्या किया जाता है कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग चकबंदी पदाधिकारी जो है वो आपस में म्यूचुअल स्वेच्छा से भूमि का मालिकाना हक जो होता है मालिकाना हक का बदलायन करता है। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपका सारा प्लॉट जो है विलेज ए में है,
आ एगो प्लेट प्लॉट आपका फंसा हुआ है विलेज बी में, आ कोई व्यक्ति है उसका विलेज बी में सारा प्लॉट है, आ एक प्लॉट फंसा हुआ है विलेज ए में, तो म्यूचुअल आपसी स्वीकार करके और बी वाला प्लॉट जो है ए को दे दिया जाए और ए वाला प्लॉट बी को दे दिया जाए, तो उसका एक बड़ा सा चक बन जाएगा, बड़ा सा खेत बन जाएगा और वो एक बड़ा सा होल्डिंग हो जाएगा, उस पर वो आराम से नए तरीके से खेती कर सकता है। बीच में एगो दुगो किसी के होने से वो पूरा चक नहीं बन पाता है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, होल्डिंग के आकार को बड़ा करने के लिए भूमि के होल्डिंग का आपसी बदलायन कराने का काम किया गया। इसमें सरकार का जो ऑफिसर होगा वो मीडिएटर का काम करेगा और दोनों पार्टी आपस में तय करेगी, और तय करके अगर किसी का जमीन थोड़ा बड़ा है या थोड़ा बेहतर है तो थोड़ा अधिक रेट लेगा, जिसका इंफीरियर लैंड है तो उसको कम रेट लेगा। इस तरह से आपस में म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी रजामंदी से भूमि का मालिकाना हक जो होता है वो बदलायन करेगा, और तब भूमि का बदलायन हो गया, भूमि का दाखिल खारिज कर दिया कि आपका वही हो गया, इसका ही हो गया, तो इससे प्लॉट का आकार बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा? बड़ा होगा सर, बड़ा हो जाएगा, प्लॉट का आकार बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो हर तरह की खेती आप कर सकते हैं, और ये जो बाधा था वो दूर हो गया। तो ये चकबंदी जो है, ये पॉइंट नंबर कितना हो गया? चौथा हो गया सर। चौथा हो गया। तो जमींदारी प्रथा से शुरू किए हम लोग, महलवारी, जैनदारी, रैतवारी, ये पहला पॉइंट में हुआ। दूसरा पॉइंट में हुआ काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार में हम लोगों ने बातचीत किया कि रेंट जो है वो फिक्स हो जाए, अवधि फिक्स हो जाए, आपस में अगर वो सेटलमेंट करना चाहता है तो सेटलमेंट भी कर सकता है, ओनरशिप का सेटलमेंट हो, टाइम ड्यूरेशन का सेटलमेंट हो, तो ये काश्तकारी सुधार हुआ। तीसरा हुआ भूमि के विभाजन अवखंडन का प्रॉब्लम को दूर किया गया। चौथा जो हो गया कि खेत में टुकड़ा टुकड़ा खेत जो बटा हुआ है उसको एक बड़ा चक के रूप में बदलने के लिए आपस में चक को मिलाया गया, और चक माने होल्डिंग, तो होल्डिंग का साइज और आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। होल्डिंग का साइज और आकार बड़ा हो गया, और इससे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का पॉइंट हुआ चार। चौथा पॉइंट के बाद आता है पांचवा पॉइंट जो लैंड रिफॉर्म का है, उसको कहा जाता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब हो गया कि सरकार कही कि देखिए बहुत लोगों के पास बहुत बहुत जमीन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो एक लैंड सीलिंग एक्ट पारित किया जाए। बिहार में भी एक्ट पारित किया गया। कृषि चूंकि राज्य का आइटम है तो इसलिए राज्य सरकार इस पर नियम पारित की, कानून बनाई कि 17 एकड़ जमीन अगर है तो एक परिवार के लिए 17 एकड़ जमीन को साइज को फिक्स कर दिया गया कि अगर उस प्लॉट पर दो फसल होता है, अगर उस प्लॉट पर दो फसल होता है तो 17 एकड़ भूमि जो है एक परिवार के लिए लिमिट हो गया। अगर मान लीजिए आपका जमीन उतना अच्छा नहीं है और साल में एक ही फसल होता है तो 27 एकड़, 10 एकड़ बढ़ा दिया, 17 से 27, 27 एकड़ भूमि जो है अगर एक ही फसल वाला जमीन है तो 27 एकड़ जमीन को रखने का आपको अधिकार है एक फैमिली में। और मान लीजिए बगीचा में आपका जमीन में बगीचा है, खेत नहीं है बगीचा है, तो 57 एकड़ का बगीचा एक परिवार को दिया गया, 57 एकड़ जमीन जो है का बगीचा आपका होगा
तो वो सरकार नहीं लेगी, वो सीलिंग में नहीं आएगा। और इस लिमिट के बाद अभी आपको जमीन है तब वो जमीन कहलाएगा सीलिंग में लगा हुआ जमीन। सीलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? लिमिट। छत को हम लोग क्या कहते हैं? सीलिंग बोलते हैं कि नहीं? उमेश चंद्रा, तुम्हारे सिर पर जो छत है उसको सीलिंग कहते हो कि नहीं? जी सर। अब फैन लटका हुआ उसको सीलिंग फैन कहते हो? जी। कि टेबल फैन कहते हो? नहीं सर, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्यों कहते हो? क्योंकि वो सीलिंग में लटका हुआ है। जी। तो सीलिंग क्या हो गया? लिमिट हो गया। उसके ऊपर आपका सिर नहीं जा सकता, कोई सामान नहीं जा सकता, छत डला गया। उसी तरह से कहता है कि भूमि का भी सीलिंग होना चाहिए। किसके पास कितनी भूमि होगी इसका निर्धारण करके, और उससे ज्यादा भूमि अगर है तो वो सरकार अधिग्रहण कर लेगी। हजारों एकड़ जमीन सरकार के पास अभी अधिग्रहण किया हुआ है, बट नहीं पाया है, कुछ बटा है, बहुत नहीं बटा हुआ है। बांटना भी एक बहुत झमेला का काम है। बांटने के बाद उसको सही रूप से दाखिल खारिज होता है कि नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत सारा टेक्निकल मैटर इसमें है, लेकिन अगर आपका पास 57 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बगीचा है तो वो सीलिंग में चला जाएगा। 27 एकड़ से ज्यादा जमीन आपका एक 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 फसल के लिए, एक फसल वाला है तो सीलिंग में चला जाएगा उससे ज्यादा है। 17 एकड़ जमीन अगर आपको दो फसल वाला है, उससे ज्यादा जमीन आपको है तो वो लैंड सीलिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से चकबंदी के बाद आया हदबंदी। हद माने लिमिट, हद माने सीलिंग। हदबंदी तो हदबंदी आ गया। और हदबंदी आने से भूमि का जो वितरण है उसकी विषमता में कमी आएगी। जो सरकार जमीन लेगी तो सरकार जमीन लेकर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दबे पिछड़े हुए लोगों के बीच में जमीन दे देती है और ये जमीन का ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या हो गया? हदबंदी। उसके बाद है भूमि सुधार का छठा पॉइंट जो है, उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है? सरकारी कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है? सामूहिक रूप से सर एक जगह खेती करने का प्रक्रिया को अपनाया जाता है। सहकारी कृषि में होता है कि एक सहकारी कृषि समिति बनाई जाती है, बनाते हैं। और वही सारा देखभाल करती है। उसमें सेक्रेटरी होता है, उसमें ट्रेजरर होता है, उसमें ऑपरेटर होता है, सब होता है। उसका काम है कि सारे किसान से बात करके और उसके इच्छा से बात करके उसके इच्छा से
सबके मेड़ को तोड़ दिया जाएगा, सबका साइज, सबका मैप बना दिया जाएगा, भूमि का किसका कैसा मैप है, मैप बना के सबको मैप दे दिया जाएगा। भूमि का मालिक वही रहेगा, लेकिन मेड़ को तोड़ देगा तो एक बड़ा सा चक हो जाएगा, बड़ा सा लैंड होल्डिंग हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कोऑपरेटिव फार्म। अब उसमें ट्रैक्टर से खेती हो सकता है, नए नए विधि का उपयोग हो सकता है, और उससे वो कृषि का उपज क्या होगा, बढ़ जाएगा सर। कृषि का उपज बढ़ जाएगा, और जो किसान पहले कम प्राप्त करता था अपने टुकड़ा टुकड़ा भूमि से, अब उसको शेयर जब मिलेगा तो पहले से अधिक कृषि उपज उसके नाम से प्राप्त होगा। विपणन में भी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा उसका, और चूंकि मोटा रकम ज्यादा अमाउंट का अनाज रहेगा तो वो कोऑपरेटिव विपणन सोसाइटी बना देगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग में खेती करेगा, कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के द्वारा ट्रैक्टर खरीद लेगा और उसी पर माल लेकर के हाट तक जाएगा। बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, पूंजी निर्माण होगा, और सबको बांटने के बाद एक शेयर जो है समिति को भी दिया जाएगा तो उसका फंड रेज होगा, उसका पूंजी बढ़ेगा। तो इन्हीं सब तरीकों से भूमि सुधार का कार्यक्रम भारतवर्ष में पिछले 72 वर्ष से चल रहा है, लेकिन अभी तक कंक्लूजन पर नहीं आया है, क्योंकि इससे बहुत तरह का तकनीकी प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ। अब कोऑपरेटिव जो है पंजाब में सफल हो गया, महाराष्ट्र में सफल हुआ, कर्नाटका में सफल हुआ, लेकिन बिहार में असफल हो गया। क्योंकि उसमें से कोई एक चाहेगा तो अपने भूमि को कोऑपरेटिव से अलग कर लेगा, तो जहां एक वो अलग किया तो दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग होगा, तो टूट जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर जो इंडिविजुअल फार्मिंग है वही आ जाएगा। तो इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति लाने में सफल हुआ। जहां जहां कोऑपरेटिव फार्म बड़ा बड़ा है गन्ना का, महाराष्ट्र में देखिए कि गन्ना का उत्पादन और वहां उत्पादन चीनी का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ हो गया। कर्नाटका में भी कोऑपरेटिव शुगर कोऑपरेटिव बहुत सफल चल रहा है। तो इस तरीके से कृषि क्षेत्र में प्रथम नियम भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र में प्रथम नियम लागू किया गया और वो है भूमि सुधार। आपको क्वेश्चन आएगा भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके करने के कौन कौन से तरीके हैं और इसकी सफलता क्यों नहीं हो पाया, क्यों विफल हो गया, तो ये भारतवर्ष में विफल होने का कारण है अशिक्षा, जाति प्रथा, भेदभाव, आपसी भाईचारे की कमी और पार्टी पॉलिटिक्स इतना ज्यादा होता है कि थोड़ा सा मतभेद हुआ तो पाला करेगा कि कोऑपरेटिव फार्म में हम नहीं रहेंगे, तोड़ दीजिए हम हटेंगे। मान लीजिए पीछे वाला तोड़ दिया तो आगे पीछे वाला क्या कर पाएगा। शिक्षा का अभाव
और शिक्षा से ज्यादा है समझदारी का अभाव। कृषि से इस तरह से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है किसान, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को देने के लिए तैयारी नहीं होता है। लैंड माइंडेड है और वो लैंड माइंडेड कैसा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला, गोल्ड माइंडेड, लैंड माइंडेड, कैश माइंडेड। ये रूरल सेक्टर का सबसे बड़ा पहचान है। तो इस तरीके से भूमि रहते हुए भी भूमि सुधार का कार्यक्रम इस लंबे अवधि में नहीं हो पाया। क्वेश्चन लिख लीजिए, तैयार करके दिखाइएगा। कोई भी इंडियन इकोनॉमी के किताब लीजिए, पढ़ करके एक पेज डेढ़ पेज में एक बना करके हमको दिखाइए। भूमि सुधार किसे कहते हैं, भूमि सुधार के कौन कौन से तरीके हैं, भारत में कौन से तरीके से भूमि सुधार हुआ, वो कहाँ तक सफल हो पाया, सफल नहीं हुआ तो विफलता का क्या कारण है, और कोई भी चीज लिखने में चार गो पांच गो पॉइंट देना है, बहुत ज्यादा 20-20 गो पॉइंट गिनाने का जरूरत नहीं, 5 पॉइंट दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। मोतीलाल जी सर, टोटल टॉपिक जो है 100 के आसपास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो लिस्ट आप भेजे हैं। हाँ सर, तो इसलिए प्रैक्टिस करने का काम आप तेजी कर दीजिए। हाँ सर। और बहुत लोग जो बाद में आए, उमेश चंद्रा, तुम तो बाद में आए हो ना, उमेश चंद्रा कितना दिन के बाद आया है? ये हम लोग के बाद करीब करीब 1.5 महीना बाद ज्वाइन किया है सर। अच्छा, उदेश तुम कब से ज्वाइन किए हुए हो? हम तो शुरू से थे सर। तो शुरू से है जी सर। हाँ, तो उसका एक लिस्ट बना लो 1, 2, 3, 4 करके, उससे सुविधा होगा कि अगला क्या पढ़ावे। ये बड़ा मुश्किल अब मुश्किल हो रहा है कि क्या पढ़ावे। नए लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो तो फिर जीरो से शुरू करेंगे, तो वो चीज आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस कीजिएगा बताइए सर। औद्योगिकीकरण वाला सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला सर, एक बार हल्का सा समझा देते तो। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी करेंगे। सुनीता जी सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब हम लोग करेंगे। क्या बोली प्रियंका? शुरू करेंगे ना, तो जो पढ़ चुका है उसको बैठने में मन लगेगा। ये वो क्लास हो जाएगा फिर शुरू से, ABCD से। एक क्लास जो है अब जैसे 1 बजे वाला में भी बहुत लोग है, उसमें टॉपिक पढ़ा तो वो दूसरा उसको नहीं पढ़े हुआ है, तो हर आदमी का अपना अपना लिस्ट होगा ना जी सर। लेकिन शुरू से क्लास, सुबह का क्लास जो है ना, वो फिर स्टार्ट करेंगे शुरू से। 100 से ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोग का हो गया है वो याद करेगा, प्रैक्टिस करेगा। और तुम क्लास करोगी, तुमको घबराने का जरूरत नहीं है प्रियंका। जी सर, नोट्स बना रहे बहुत सारा, अब सर जब कोरोना का वैक्सीन आता है तो फिर दिखाएंगे। वो ठीक है, वो तो अलग बात हुआ, हम डिस्कशन का बात कर रहे हैं, जो नहीं डिस्कस हुआ है उसको फिर डिस्कस करेंगे ना। जी जी, फिर से इंडिफरेंस कर्व, फिर से कंज्यूमर सरप्लस, ये चलता रहेगा। है
क्या बोल रही हो? जितना जानते हैं हम तो बोले कि इकोनॉमिक्स का कोई टेंशन ही नहीं लेते आप है ना सर हो जाएगा ठीक है हम एग्जाम तो दे दिए तीनों यार ठीक है हमारा सारा तेज स्टूडेंट कोई नहीं पढ़ाते हैं हमसे जो स्टूडेंट पढ़ता है वो स्टूडेंट तेज है तुम क्या करें तुम सब लोग तेज हो तुम्हारे समझदारी में दूसरे के बराबरी से अच्छा है तो हम लोग अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको करेंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये सब एकदम आएगा ही और दो पन्ना लिखना है क्वेश्चन जो है वो टुकड़ा टुकड़ा में रहता है इसलिए वो सब स्टाइल को पकड़ना होगा दैट्स ऑल थैंक यू गुरुजी प्रणाम सर गुरुजी प्रणाम नमस्कार थैंक यू सर